ओम नमः शिवाय दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। श्रावण के महीने की पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर दो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई सात पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्त, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी, या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं करता। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती है। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती, घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं, तो बेटियां हाथ में धान भर कर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े, छापे लगा कर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां
तो जया विषहरा सामली बारी दौतली देव ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।